tweak it. We will hear and tweak it. Read and write it too. Read and write it too. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें पाठ 38. मैं सुनीता दीक्षित. आज मेरा भांजा दीनू, भांजी आशा, उनके दादाजी और मैं एक खेल खेलेंगे. तुम सब भी सुनो और समझो. मैं दादाजी के पास बैठूंगी. ये दीनू जरूर गलती करेगा और मेरा भी गलत हो जाएगा. ठीक है, चल तू यहाँ बैठ. इस खेल के लिए हम चारों एक गोल घेरा बनाएंगे. मैं, आशा, दादाजी, दीनू. फिर हमें क्या क्या आता है अंग्रेजी में बताना है. बस इतना सा ही खेल है? जरा चुप बैठ, पहले सुन तो. खेल ऐसा है, दीनू शुरू करेगा. मान लो उसने कहा आई कैन ड्रॉ. ठीक, तो फिर मैं कहूंगी ही कैन ड्रॉ, आई कैन सिंग. तब आशा तू क्या कहेगी? ही कैन ड्रॉ, शी कैन सिंग, आई कैन डांस. फिर मैं बोलूंगा ही कैन ड्रॉ, शी कैन सिंग, शी कैन डांस, आई कैन कुक. बाप रे बाप, तो मुझे चारों का याद रखना पड़ेगा. लेकिन सुनीता मौसी, क्या अंग्रेजी के सारे शब्द हमें याद रहेंगे? अंग्रेजी के शब्द याद नहीं आए ना तो हिंदी शब्द लगाना, मगर वाक्य अंग्रेजी में ही हो. हाँ, मतलब आई कैन नॉट. कितना अजीब लगता है ना, इसीलिए अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने का प्रयत्न करो. मैं और दादाजी तुम्हारी मदद करेंगे. ऐसा करो, पहले किसी क्रिया से जुड़े शब्द एक बार अंग्रेजी में बोलो. ठीक है, मैं हिंदी में बोलूंगी, दीनू अंग्रेजी में. चल दिन्नी, नाचना, डांस, गाना, सिंग, बोलना, स्पीक, पढ़ना, रीड, चित्र बनाना, ड्रॉ, लिखना, राइट, चलना, वॉक, कूदना, जंप, चढ़ना, क्लाइम. गुड. ठीक है, अब आगे चलो. खेलना है तो फटाफट शुरू करो. मैं शुरू करती हूँ. आई कैन डांस, शी कैन डांस, आई कैन कुक. शी कैन डांस, ही कैन कुक, आई कैन ड्रॉ. शी कैन डांस, ही कैन कुक, ही कैन ड्रॉ, आई कैन सिंग. दैट वॉज फन ना. क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. जुलूस जा रहा है, सबके हाथ में तख्तियाँ हैं. देखिए क्या लिखा है, आई कांट सी. हम सब भाई बहन हैं. वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ. से इट विद प्राइड, आई एम एन इंडियन. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है जी बहन भाई. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वी आर ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम्हारी दादी को शोर से तकलीफ हो रही होगी. आशा, शट द विंडो. दादाजी, आपने कहा आई कांट सी, मतलब मुझे दिखता नहीं, सही है ना? कांट सी मतलब दिखता नहीं, कैन सी मतलब दिखता है. तो हम ऐसा ही खेल खेलें, पहले की तरह बारी बारी से कहना, पर आई कैन की जगह आई कांट कहना है, मतलब जो हम नहीं कर सकते वो बोलना है. गुड आइडिया, यू स्टार्ट आशा. आई कांट स्पीक रशियन. शी कांट स्पीक रशियन, आई कांट जंप. शी कांट स्पीक रशियन, ही कांट जंप, आई कांट डांस.
शी कांट स्पीक रशियन, ही कांट जंप, ही कांट डांस, आई कांट क्लाइंब अ ट्री। दोस्तों, इस पाठ के समाप्त होने के बाद तुम भी यही खेल खेलना। हाँ, अगर तुम कक्षा में हो तो चार बच्चों की टोली बना के खेल सकते हो, और अगर चार से ज्यादा हुए तो और भी मजा आएगा ना। और फिर कक्षा ही क्यों, अगर आप स्कूल नहीं भी जाते हैं तो ये खेल तो कहीं भी खेला जा सकता है। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। टेल मी थ्री थिंग्स यू कैन डू, मतलब तुम जो भी कर सकते हो ऐसी तीन क्रियाएं मुझे बताओ। आई कैन कुक, आई कैन सिंग, आई कैन स्पीक गुजराती। आई कैन डांस, आई कैन ड्रॉ, आई कैन रीड हिंदी। टेल मी वन थिंग यू कांट डू। आई कांट क्लाइंब अ ट्री, आई कांट कुक। दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहाँ भी हो, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समर जाएगी। आज हम सब अपने बारे में बोलेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है ना। कोई खाना पका सकता है, कोई पेड़ पर चढ़ सकता है, कोई गाना गा सकता है। ऐसी तीन क्रियाएं जो तुम कर सकते हो उन्हें याद करो। मैं 15 सेकंड का समय देती हूँ। ऐसी तीन बातें जो तुम कर सकते हो उन्हें याद करो। चलो तैयार, घंटी बजते ही टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। मैं पूछूंगी, टेल मी सम थिंग्स यू कैन डू, ऐसी क्रिया तुम मुझे बताओ जो तुम कर सकते हो। अब जो बच्चा खड़ा है उसको एक क्रिया के बारे में वाक्य बनाना है। वाक्य की शुरुआत आई कैन ऐसे करनी है। एक बच्चा तैयार है ना? टेल मी समथिंग यू कैन डू। अब कोई और बताएगा। टेल मी समथिंग यू कैन डू। अब कोई और बताएगा।
क्या क्या कर सकते हो, किसी भी दो क्रियाओं के बारे में बताना है। टेल मी टू थिंग्स यू कैन डू। वेरी गुड। अब ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी तो बहुत कम चीजें होंगी जो तुम कर ही नहीं सकते हो। किसी को नाचना नहीं आता होगा, तो किसी ने अब तक खाना पकाना नहीं सीखा होगा, तो इसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा पहले मैं बताऊं, मुझे ना पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। इसे अंग्रेजी में कैसे कहें? आई कांट क्लाइंब अ ट्री। लेकिन तुम तो चढ़ सकते हो ना पेड़ पर। अब एक एक बच्चे को ऐसी क्रिया बतानी है जो वो नहीं कर सकता है। एक बच्चा तैयार है? अब मुझे तुम एक ही बात बताना जो तुम नहीं कर सकते हो। टेल मी वन थिंग यू कांट डू। अब दूसरा बच्चा, खुद के बारे में सच सच बताना, ठीक है? टेल मी वन थिंग यू कांट डू। अब और कौन बताएगा ऐसी बात जो तुम नहीं कर सकते हो? टेल मी वन थिंग यू कांट डू। आगे के 15 मिनट में टीचर जी बच्चों से यही करवाएंगे। टेल मी समथिंग यू कैन डू। टेल मी टू थिंग्स यू कैन डू। और टेल मी वन थिंग यू कांट डू। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा